नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सिस 24। कल जामिया में छात्रों का प्रोटेस्ट था, राजघाट तक जाना था। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उसी दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी महात्मा गांधी को, उनकी हत्या की थी। और कल फिर एक और गोडसे, सोशल मीडिया पर उसे एक और गोडसे ही कहा जा रहा है, उसने भी कल गोली चलाई। शांतिपूर्वक मार्च जो छात्र जाना चाहते थे उस पर उसने गोली चलाई, और मात्र 20 साल का लड़का, बेहद कम आयु का। राम भक्त गोपाल खुद को सोशल मीडिया में लिखता है, बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। अब तो हिंदूवादी संगठनों ने उसे एक तरीके से पुरस्कृत करने की भी बात कह दी है, अखबारों में आज आया है। तो कहीं ना कहीं जो देश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं नफरत की आग में फैल रही है। जहां एक लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर बार बार उसे कमनलाइज करने की कोशिश हो रही है, गोली चलने की बात हो रही है। एक व्यक्ति दो दिन पहले शाहीन बाग से भी पकड़ा गया था, किस प्रकार से बंदूक लेकर पहुँच गया था, और अब कल ये राम भक्त गोपाल पहुँच गए। लेकिन इससे बड़ा आपको सवाल है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, जहाँ देश के आपको MP अनुराग ठाकुर गृहमंत्री के सामने उनकी सभा में कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उसके सिर्फ दो दिन बाद एक लड़का गोली मारने पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और यहाँ पर गृह मंत्री की भी दोगली नीति को देखना होगा कि कैसे वो दोहरी नीति अपनाते हैं। पहला वो कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का IT सेल कर्नाटका का, वो लिखता है एक्शन एंड रिएक्शन, एक तरफ शर्जील की फोटो डालता है, एक तरफ राम भक्त गोपाल की फोटो डालता है। तो कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं ये तो रिएक्शन है, कहीं ना कहीं उसे आप सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और वहीं पर अमित शाह उसके खिलाफ कह रहे हैं कि नहीं, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बड़ी दोगली नीति है। और बाकी जितने हिंदूवादी जो संगठन है, जो उसका एक तरीके से संबंध माना जाता है BJP और RSS से, वो उसको पुरस्कृत करने की बात करता है। तो ये नफरत की आग जो लगातार फैलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बार बार उनके जो वर्मा है, पनोरमा जो आपको दिल्ली के MP है, वो लगातार कहते हैं कि नहीं, अगर आप शाहीन बाग के साथ हैं तो फिर आपको समझना होगा, वो लोग आएंगे आपके घरों में घुसेंगे, आपको डर फैलाएंगे, आपकी बहन बेटी से रेप करेंगे। यहाँ लेकिन घटना उल्टा हो रही है, जो लोग BJP RSS के कट्टर समर्थक हैं वो आके गोली चला रहे हैं। तो इसमें समझने वाली बात है। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार वो इसके CNRC के खिलाफ बोल रहे हैं, पूरे भारत में सभा कर रहे हैं। पहले भी जेल में दिल्ली में डाला गया, फिर उनको आपको हैदराबाद में पकड़ा गया। कल जब वो एम्स पहुंचे थे, एम्स में जो लड़का शादाब है, जो घायल हुआ उस गोली कांड के बाद, उससे मिलने तक नहीं दिया गया। वहां पर डॉक्टर कह रहे वो रेड एरिया में है, तो रेड एरिया में यानी वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो बोले नहीं, क्रिटिकल नहीं, खतरे से बाहर है। तो फिर खतरे से बाहर तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये बड़ी अलग बात है। बार बार चंद्रशेखर आज़ाद को एक रोकने की कोशिश होती है कि चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादा इस तरीके के मामलों में नहीं आए। एक तरीके से सरकार उनको कंट्रोल करने की कोशिश में है कि जब भी वो निकलते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, महीनों महीनों जेल में रखा जाता है, फिर जब दूसरे शहर जाते हैं वहाँ जेल से डिपोर्ट करके वापस दिल्ली भेज दिया जाता है। तो एक तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने की कोशिश लगातार ये सरकार में दिख रही पिछले 2 वर्षों से। जब भी वो सड़क पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, तो महीने 1.5 महीने 20 दिन के लिए जेल चले जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें राजनीति समझने की कोशिश है, और खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से रेडिकलाइज करने की कोशिश हुई है, जहां पर पहले से ही मुद्दा पानी, बिजली, स्वास्थ्य और एडुकेशन चल रहा था, वहां पर अब किस प्रकार से अमित शाह खुद कहते हैं कि अगर आप शाहीन बाग के साथ हैं कि नहीं है, उस तरह के सवाल है। और उनके MP अब 200 MP 1 तारीख से, आज से एक तरीके से घर घर जाने वाले हैं कि आप शाहीन बाग के साथ हैं या नहीं है। तो अब समझने वाली बात है ये कौन सी राजनीति है। BJP खुद को विकास की पार्टी कहती है, तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों लेकर आती है? पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शाहीन बाग, दिल्ली का चुनाव तो एक लोकल इलेक्शन है, उसे उसमें लड़ना चाहिए। लेकिन पता है उन्हें सफलता जो मिलनी है, क्योंकि लगातार देखा गया, जब जब कहीं भी किसी भी राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो, देश में लोकसभा चुनाव हो या राज्य में विधानसभा चुनाव, जो भी बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो कपड़ों से पहचानने की बातें कर लेते हैं, तो उस पर कई लोगों की कड़ी आपत्ति है। लेकिन जो सरकार का एक्शन वो नहीं दिखता। इससे पहले भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो लिंचिंग के आरोपी हैं, उसे कैसे एक सांसद माला पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं जब वो जेल से आपको छूट कर आते हैं। तो वैसी चीज़ें देश भर में हो रही है। और जो चीज़ रेडिकलाइज करने की कोशिश है, एक तो बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि सब बहकाए हुए लोग हैं जो शाहीन बाग बैठे हुए देश भर में, उनके आइडिया नहीं है कि CA क्या है, उनके खिलाफ नहीं है। तो इसको लेकर BJP कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं करती कि उनके नेता कोई जाए तो शाहीन बाग और देश भर में जितने हैं छोटे छोटे शाहीन बाग चल रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है CA के खिलाफ और NRC के भय के खिलाफ, तो उसको लेकर वो वहाँ मिले। या फिर मन की बात ही जो प्रधानमंत्री लगातार करते रहते, तो CA पे मन की बात कर दें,
कि ताकि लोगों को भय निकल जाए कि नहीं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिटी जो डर रही है उसे कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों को भयमुक्त कर दे कि नहीं आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो उनके लिए भी एक मन की बात उनको करनी चाहिए। लेकिन राजनीति चल रही है, दोहरी नीति चल रही है, नफरत खुद फैला रहे हैं, एक्शन की बात हो रही है, उनकी पार्टी खुद ट्वीट भी कर रही है, एक तरीके से सपोर्ट दिखा रही है कि हम राम भक्त गोपाल को सपोर्ट करते हैं, कर्नाटका के बीजेपी आई टी सेल ऐसे करके एक्शन रिएक्शन, शर्जील इमाम का रिएक्शन है राम भक्त गोपाल, यानी आप राम भक्त गोपाल के कामों को सही मान रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है देश की राजनीति कहाँ जाएगी और कितना कम्युनलाइज होगी, क्योंकि आज 2014 चुनाव से पहले हमेशा सारी पार्टियाँ विकास और ऐसे मुद्दों पर लड़ती थी, लेकिन 14 के बाद की पूरी राजनीति बदल गई है। हर बार हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान धमशान ऐसे मुद्दे आते हैं और इसको लेकर समाज में बंटवारा बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया में काफ़ी नफरत की चीज़ें देखी जा सकती है, पोस्ट देखे जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप देखे जा सकते हैं, कैसे एक धर्म के प्रति आपको नफरत की आंख फैलाई जा रही है। और ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं रही, वहाँ भी रही, लेकिन देश की राजनीति कभी भी इस तरह की चीज़ों को पक्षधर नहीं थी और इन सब चीज़ों का हमेशा खंडन किया है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है उन्हें बैक डोर से सपोर्ट किया जाता है, उन्हें मदद दी जाती है, आर्थिक, राजनीतिक, लीगल हर तरीके सपोर्ट दिया जाता है। और बहुत बार देखा गया है बहुत सारे लिंचिंग से मामलों में किस प्रकार से आरोपी की वीडियो फुटेज अवेलेबल है, तस्वीरें अवेलेबल है, फिर भी वो अदालत से छूट जा रहे हैं, फिर भी वो उनको मालाएं अर्पण कर रही है, बीजेपी अपनी रैली में बुला रही है। तो लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है और इस पर हम अपनी नज़र बनाए रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगती है तो हमारे चैनल एक्सेस 24 को सब्सक्राइब कर लो।